आ जाओ भाई। देखो 4 पॉइंट, अब हम 4.4 की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। 10 मिनट के बाद 4.4 खत्म हो जाएगी, केवल 10 मिनट का टाइम लेने वाला है और सारे सवाल तुम कर दोगे। आया समझ में? देखो चलो 4.3 बहुत आसान है। एक एक बच्चे तो पूछो बैठे क्या क्या समझाया। उपसारणिक और सेकंड निकालना सिखाने वाला आज तुम। एक तो सीखने वाले हम उपसारणिक क्या हो, उपसारणिक। अच्छा बताओ, एक तो प्रधानमंत्री हो, एक हो उप प्रधानमंत्री। गाँव में एक प्रधान हो, एक क्या हो, उप प्रधान। एक हो सारणिक, एक हो उपसारणिक, जो उसका भी छोटा हो। अच्छा और क्या सीखने वाले हम, दूसरी चीज़ सीखने वाले आज हम सैखंड। सैखंड क्या हो, 4.3 नहीं है, 4.4 है। 4.4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, उसके फिर सवाल समझेंगे। बहुत आसान है, एक एक बच्चे पूछा जाएगा, ध्यान से पूरा ध्यान लगा रखना। उपसारणिक और सैखंड, सह उपसारणिक और सैखंड। इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए। उपसारणिक का नाम है बेटे इंग्लिश में माइनर, MINOR माइनर। एंड सेकंड, सेकंड को कहते हैं कोफैक्टर। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? ये माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर होगा। उसके बाद सुन लो क्या होगा। जैसे कोई हमें सारणिक दिया हुआ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट आज का, हमें कोई सारणिक दिया हुआ, जो उपसारणिक है ना, पहले हम उपसारणिक समझेंगे ठीक। और जो उपसारणिक है ना, इसे कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और जो सेकंड होगा ना ठीक, इसे A से डिनोट कर देंगे। कभी कभी हम सेकंड को एडजोइंटेज भी कहते हैं, एडजोइंटेज। तो उपसारणिक को कहीं से डिनोट करेंगे, M से। इसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे, A से। A का M का मतलब क्या होगा, उपसारणिक, और A का मतलब होगा सेकंड। किसका सारणिक, किसका उपसारणिक और किसका सेकंड, सारणिक का। किसका सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेट। बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। जैसे तुम्हें ना एक ये दे रखा पूरा का पूरा, एक सारणिक दे रखा, वो भी 2x2 का, 2, 5, 3, 1 ये दे रखा है 2x2 का उपसारणिक। हम कहने लगे इसके अंदर कितने अवयव, बताओ कितने अवयव इसके अंदर, 4। दो लाइन, दो पड़ी होगी, दो खड़े होंगे ठीक। तो 4 अवयव हो इसके अंदर। हम कहने लगे ये सारणिक जो बोर्ड पर लिखा हुआ, इस सारणिक का सेकंड निकालना, सेकंड नहीं, इसका पहले उपसारणिक निकालना, फिर निकालेंगे इसका सेकंड। क्योंकि उपसारणिक निकालने के बाद ही सेकंड निकालते हैं, पहले तुम उपसारणिक निकाल लोगे फिर सेकंड निकाल लोगे। और बहुत आसान है इसका उपसारणिक निकालना, उसके बाद सेकंड निकालना वो थोड़ा जटिल है, इसके बिना यूँ नहीं निकल सकता। जब ये पता होगा तभी सेकंड निकलेगा। इतनी बात बताओ जो समझ में आई नहीं आई ठीक है। चलो इसका उपसारणिक निकालना सिखाते हैं तुम्हें। जो यहाँ लिखा रहा मान लिखा रहा है ना, पहले तो इसमें लिखा हुआ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर a11, इसे लिख सकते हैं a12, a21, a22। यानी जो लिखे हुए ना यहाँ पहले थे, ये अवयव, ये छोटे वाला a है ना, वो डिनोट करता अवयव को। देखो बड़े वाला m तो डिनोट करता उपसारणिक को, जो बड़े वाला a है वो डिनोट करता सेकंड, सेकंड को। और जो छोटे वाला a होगा ना, वो डिनोट करता अवयव को, अवयव अवयव, ये हमारा अवयव होगा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? तीन चीज़ बताई, नंबर फर्स्ट उपसारणिक को डिनोट कौन करेगा, M, उसके बाद सेकंड को डिनोट कौन करेगा, A, अवयव को डिनोट कौन करेगा, छोटे वाला है। उसके बाद तो बताइए ये हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ, सारणिक नहीं आया, कितने का सारणिक, 2x2 का सारणिक। तो 2x2 का सारणिक जो सामने लिखा हुआ, ये लिखे हुए पोर्शन दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये होता है ये अवयव नहीं है क्या? और जब ये अवयव है ना, तो इसी के हिसाब से अगर मुझे मान निकालना हो, मुझे निकालना M, इसकी जगह तो 1, 1 यहाँ A है, मुझे निकालना है M11 का मान निकालना है। यानी इस अवयव के सापेक्ष, इस अवयव के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगा, तो जो इसके सामने होगा ना वही इसका उपसारणिक होगा। यानी M11 का जो मान होगा वो कितना होगा, 1। उसके बाद अब मुझे इसका मान निकालना, इसे क्या बोल लेंगे, इसे क्या बोल लेंगे, 1, 2 नहीं आया, तो M12 बराबर जो इसके सामने होगा ना वही इसका मान होगा। बताओ कितना बैठेगा, 3। उसके बाद अब मुझे निकालना इसका, इसका M21 का मान, तो जो इसके सामने होगा ना वही इसका अंतर होगा, -5। इसके बाद निकालना मुझे M22, तो जो इसके सामने होगा ना वही इसका अंतर होगा, कितना बैठेगा, 2। अभी बताओ मान समझ में आए कि नहीं आए, कौन कौन सा मान किस तरह निकालेंगे। 3x3 के भी ऐसा ही होगा। अब एक काम करेंगे, इसे ना ऐसे ऐसे ऐसा बना देंगे ताकि उपसारणिक दिखाई दे। ए बराबर ऐसे लिखेंगे,
अब यहाँ किसका मान लिखेंगे, एम वन वन का, एम वन वन का मान कितना एक, उसके बाद किसका मान लिखेंगे एम वन टू का, इसका मान कितना माइनस के पाँच, अब किसका मान लिखेंगे तीन, अब यहाँ कितना लिखेंगे किसका, अच्छा यहाँ तीन आएगा, उसके बाद यहाँ माइनस के पाँच आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा दो, ये क्या बन चुका, ये तो सारणिक था, ये इस सारणिक का उपसारणिक है, वो तो सारणिक था, ये क्या है उपसारणिक, अभी तो दो बाई दो का सिखाया, अब हम निकालने सीखते हैं सेकंड कैसे निकालते हैं, सेकंड क्या, तो सेकंड निकालने के लिए सेकंड को कहीं से प्रदर्शित करेंगे, ए, ए के साथ हम कभी कभी उसे एडजोइंट भी कहते हैं, एडजोइंट, ठीक, चलो चलो वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, एडजोइंटेज पहले ही बताओ समझ में आया नहीं आया, उपसारणिक कैसे निकालते हैं, चलो उसके बाद दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट ये होगा, अब हम सेकंड निकालना सीखेंगे कि इस दो बाई दो का जो उपसारणिक दिया हुआ, दो बाई दो का जो सारणिक दिया हुआ, इसका हमने उपसारणिक तो निकालना सीख लिया, अब हम दो बाई दो के जो सारणिक होगा उसका सेकंड निकालना सीखेंगे, चाहे दो बाई दो का हो तीन बाई तीन का हो, सेकंड ऐसे निकालते हैं, अब बोर्ड पर तुमसे पूछा भी जाएगा, तो सेकंड का सूत्र होगा सेकंड, इसे बोलते हैं एडजोइंटेज, एडवेंटेज या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं सर, कोफैक्टर, कोफैक्टर कह देते हैं, चलो अब एक काम करते हैं, तो जो सेकंड होगा ना उसे डिनोट करते हैं ए आई अर्जेत, इसका मतलब बड़े वाला है, अब इसका फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला देखो क्या होगा, फॉर्मूला होगा, अरे तुम्हें याद रखना फॉर्मूला, बुक्स का ही फॉर्मूला, माइनस के वन पूरे की पावर आई प्लस जे इंटू, ध्यान से देखना आई प्लस जे इंटू एम आई जे, एम आई जे, इसका ये मतलब होगा बेटे सेकंड जब निकलेगा जब तुम उस उपसारणिक का पता होगा, अब देखो एक का कर जिस तरह तुमने एम वन वन का मान निकाला था ना, इसी तरह ए वन वन का मान निकाल लेंगे, इसी तरह ए वन टू का मान निकाल लेंगे, ए टू वन का मान निकाल लेंगे, बड़े वाला कैपिटल बड़े वाला ए रख लेंगे, ए टू टू का मान निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले के लिए हर से निकाल लेंगे, आ जाओ एक एक कर निकालते चले जाओ, पहले नंबर पर जो यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ लिखा ए आई जे की जगह लिख देंगे वन वन, जब यहाँ वन वन लिखोगे तो माइनस के वन और पूरे की पावर वन प्लस से क्या बैठेगा वन इंटू, ये क्या बैठेगा, जब यहाँ आई जे आव तो यहाँ पर तो आई जे आएगा तो वन वन नहीं आएगा, तो बराबर लगाया तो माइनस के वन नहीं आएगा, माइनस के वन की पावर कितना हो जाएगा दो इंटू, तो एम वन वन नहीं आएगा, अब बताओ एम वन वन का मान हमने पहले कितना निकाला था, एम वन वन का मान, तो यहाँ गुणा में कितना लिख देंगे एक लिख देंगे, यहाँ से लिख देना ही गुणा में एक, चलो अब माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बैठेगा एक ही बैठेगा, वो प्लस में एक गुणा एक, तो ए वन वन का मान कितना है, ए वन वन का मान कितना है एक, अब किसका निकाल लेंगे ए वन टू का, अब बताओ दूसरे नंबर पर ए वन टू का मान निकाल लेंगे, तो ए वन टू बराबर जब यहाँ वन टू लिखोगे तो माइनस के वन पूरे की पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, अब यहाँ बैठेगा माइनस के वन पूरे की पावर एम वन टू का मान बताओ कितना, एम वन टू का मान, एम वन टू का मान है तीन, कितना तीन, जिसकी पावर तीन आगा ना बराबर लगाया तो माइनस के वन, ये माइनस के वन इसकी पावर तीन खोल लोगे तो माइनस के वन तीन पावर खोल लोगे तो माइनस के वन इंटू माइनस के वन इतना गुणा कर दोगे कितना बैठेगा एक, और यहाँ कितना बैठेगा माइनस के एक, तो कैंसिल कर दोगे गुणा कर दोगे तो माइनस के एक, यानी इसकी क्यूब खोलोगे तो माइनस के वन होगा, जब विषम संख्या हो ना तो माइनस में हो, सम संख्या हो तो प्लस में होगा, ठीक, इंटू में कितना तीन, तो कितना बैठेगा माइनस के तीन, निकलेगा नहीं निकलेगा, इसी प्रकार तीसरे नंबर का निकाल लोगे, अब जो तीसरे नंबर का निकाल लोगे तो बताओ क्या निकाल लोगे तीसरे नंबर का, ए टू वन, तो निकाल लेंगे ए ए टू वन बराबर यहाँ लिखेंगे नहीं इसमें, बताओ क्या लिखेंगे माइनस के वन पूरे की पावर टू प्लस वन इंटू एम टू वन बराबर माइनस के वन पूरे की पावर दो में एक जोड़ोगे तो बैठेगा तीन इंटू एम टू वन, इसका तो माइनस के किया जाएगा, एम टू वन का मान बताओ, एम टू वन का मान बैठते हो देख ले हाँ माइनस के पाँच, वैसे मुझे भी घूम लें माइनस माइनस प्लस कितना बैठेगा पाँच, एम टू वन वो दिक्कत है आता मजा इस पर हाथ चढ़ा इंजॉय, चौथे नंबर पर देखो उसके बाद अब किसका मान निकाल लेंगे ए टू टू का, ए टू टू बराबर तो यहाँ दो दो रखोगे तो माइनस के वन पूरे की पावर दो प्लस के दो इंटू एम दो दो तो माइनस के वन पूरे की पावर चार इंटू एम टू टू का मान दो, इसका तो मान एक गुणा में दो, दो एकम दो, अब हम उपसारणिक निकाल लेंगे
तो जब उपसारणी की निकालोगे यहाँ दिखाई देगा उपसारणी, उपसारणी नहीं सेकंड, तो लिखेंगे इसे ए डी जे। ए डी जे का मतलब वो एडजुवेंटेज, एडजुवेंट का मतलब वो सेकंड, और सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे उस अव्यय का नाम लिख, इसका सारणी का नाम लिखेंगे क्या है ए, तो यार ए लिख देंगे ए डी जे बराबर। अब ऐसा करेगा ना इसके अंदर सारा पीरो देंगे, इसका मान, इसका मान पहले तो इसका मान आएगा, इसका मान कितना एक, अब किसका ए वन टू का मान आएगा, नहीं वन टू का मान कितना है, ए वन टू का मान माइनस के तीन, तो यहाँ माइनस के तीन लिख देंगे। उसके बाद किसका मान आया, उसका मान यूँ कितना आया पाँच, उसके बाद किसका मान आया कितना अट्ठा का दो, ऐसे निकाल लेंगे। यानी जब तक तुम उपसारणिक नहीं निकाल लेंगे तब तक तुम सेकंड नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले के अंदर, ना इस फॉर्मूले के अंदर उपसारणी की जरूरत पड़ने वाली, तुम इस फॉर्मूले के अंदर किसकी जरूरत पड़ने वाली, जब भी तो सेकंड निकाल लोगे। तो अगर एक दो बाई दो का सारणिक दे रखा हो तो पहले तो उसका क्या निकाल लोगे उपसारणिक, और फिर क्या निकाल लोगे उसका सेकंड, इस तरह फिर बना के दिखा दोगे, बना दोगे। ये तो मैंने दो बाई दो का समझाया, अब मैं यहाँ दो बाई दो का एक सवाल लिखने जा रहा हूँ, इसे उतारने के बाद करने के बाद इसे करके दिखाओ। चलो जल्दी दो बाई दो का खुद करके दिखाओ, क्वेश्चन मेरे सामने तुम्हारे सामने बोर्ड में मौजूद है, ए बराबर दो माइनस के चार जीरो तीन। चलो इसे उतारने के बाद ये वाला करके दिखाओ, देख लो, ओ इधर देख लो। अभी तो हमने सीखा दो बाई दो को उपसारणी कैसे निकालते हैं और सेकंड कैसे निकालते हैं, अब हम सीखने वाले तीन बाई तीन को उपसारणी कैसे निकालते हैं और सेकंड कैसे निकालते हैं। तीन बाई तीन का अभी दो बाई दो का सीखा है ना, अब तीन बाई तीन का प्रैक्टिस करते रहना इसकी, देख लो। अगर एक उपसारणी दे, एक सारणिक दे रखा हो तीन बाई तीन का, उसका उपसारणी और सेकंड कैसे निकालते हैं, ए बराबर ये को मैं तीन बाई तीन का उपसारणी दिया, सारणी दिया हुआ वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो यूनिट मैट्रिक्स दे दी एक प्रकार की। इसका हमें पता क्या निकालना, पहले इस सारणी का हम निकालना उपसारणिक, तो जो उपसारणिक निकालने वाले होंगे तो पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका, और ये तो तुम जानते होंगे इसे किस तरह डिनोट करते हैं, इसे ऐसे तो डिनोट करते हैं एम वन अवयव, इसके अंदर तो अवयव लिखे जा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ए टू वन दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ए टू टू दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ए टू थ्री दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ए थ्री वन तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ए थ्री टू तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ए थ्री थ्री तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो हमारा अवयव है, ये इसके सामने डायरेक्ट दिखाई दे रहा, मुझे निकालना इसकी जगह एम का मान, एम वन वन का मान, जब तो उपसारणी दिखाई देगा, और जब सबके उपसारणी निकल जाएंगे फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ए आई जे वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम सब सबके सेकंड निकाल लेंगे। तो पहले हमें ये तो पता लग जाए कि उपसारणी कैसे निकाल लोगे, ऐसे ही तो निकाल लेंगे उपसारणी, इसे हम एक ही जगह हम एम डी एम तो डिनोट कर देंगे, अब क्योंकि एम का मतलब माइनर हो, माइनर का मतलब उपसारणी को, तो निकाल लोगे यहाँ तो क्या बैठेगा एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री एम थ्री वन एम थ्री टू एम थ्री थ्री, बैठा नहीं बैठा यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, उसके बाद ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। चलो इसका हम, ये तो सारणिक था हमारा, ये सारणिक था ऐसे बैठा है, तो एम वन वन का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो एम वन वन का मान एम वन वन बराबर, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, बच गया क्या है एक जीरो जीरो एक बच गया, नहीं इसे इसके यहाँ अंदर लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, लिखने के बाद इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो बताओ क्या बैठे यहाँ वन जीरो जीरो वन बैठेगा सर। अब दो एक ही कम कितना बैठेगा एक, माइनस लगाएंगे जीरो की गुणा करेंगे जीरो, तो घटा कितना बैठेगा एक, ऐसे निकल लेंगे मान। अब किसका मान निकाल लेंगे एम वन टू का, एम वन टू का बराबर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इस इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, क्या बच जाएगा जीरो जीरो एक, क्या बैठेगा जीरो 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 एक बराबर लगा एक की जीरो में गुणा करेंगे जीरो माइनस जीरो, तो क्या आंसर आ जाएगा जीरो। अब किसका निकाल लेंगे एम वन थ्री का, एम वन थ्री बताओ कितना बैठेगा, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं, जीरो वन जीरो जीरो, अब बताओ कितना गुणा करोगे जीरो जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। अब किसका निकाल लोगे एम
टू वन का डायरेक्ट निकाल दूं, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, बताओ क्या बच गया, सब फोकस लगा रखना, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, क्या बच, जीरो जीरो, तो इसकी गुना भी तो करोगे और इसकी गुना करोगे जीरो, तो सीधा जीरो लिख दूँ, समझ गए ना, ये तरीका तो पता लगा, ये वाला खुद ही लिख दोगे। अब उसके बाद ये बताओ एम टू टू, तुम भी ऐसा कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, एम टू टू, क्योंकि एम टू टू का आज चला है, इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, वन जीरो जीरो वन, एक ही कम एक और जीरो की जीरो, तो ये तो मैट का एक, समझ गए, ये जो जो यहाँ कर रहे थे ना, इसे करने के बाद में सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक तरीका मैं बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद देखो कि क्या लिखने वाले हम, उसके बाद लिखने वाले एम टू थ्री, दूसरी पंक्ति, तो इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, जब इसमें से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, तो जीरो के गुणा करेंगे जीरो, इसकी गुणा करेंगे जीरो, तो क्या बन जाएगा, जीरो। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा हो क्या रहा है। उसके बाद किसका नंबर आने वाला, एम थ्री वन का, थ्री वन का नंबर कैसा आएगा, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से गुणा करेंगे जीरो, गुणा करेंगे जीरो। उसके बाद एम थ्री टू, एम थ्री टू का मतलब इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, तो इसकी से गुणा करेंगे जीरो, इसकी से गुणा करेंगे बैठेगा जीरो। उसके बाद एम थ्री थ्री, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, एक एक ही कम एक, घटाएंगे जीरो, तो फिर बैठेगा एक। तो बताओ उपसारणिक निकलने नहीं निकल गए, अब सारे के सारे जब उपसारणिक निकल के एम बराबर ऐसे लिख सकते हैं उपसारणिक, एम वन वन का मान बताओ कितना, एम वन वन का मान एक, इसका मान होता है एम वन टू का मान, अब इसका मान बताओ एम वन थ्री का, इसका मान बताओ एम टू वन का, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स थी ना एक प्रकार का, जो ऐसा सारणिक था जिसमें एक प्रकार का विकर्ण अवयव बोल, जिसका प्रत्येक अवयव एक हो, उसका उपसारणिक भी इसके जैसे ही हो, निकल कर देखता बिल्कुल, ये तो उपसारणिक। और जब उपसारणिक निकल जा तो सेकंड निकालने में क्या दिक्कत है भाई, सेकंड तो आराम से निकाल सको, वो भी सेकंड भी तैसे निकाल लोगे, तो निकाल लेंगे ए वन वन, फिर यहाँ रखेंगे माइनस के वन, पूरे की पावर वन प्लस वन, एम जब यहाँ वन वन रखा तो यहाँ भी क्या रखेंगे वन वन, तो माइनस के वन की पावर दो इंटू ऊपर घात, अगर सम संख्या तो माइनस प्लस, माइनस प्लस में ही आगा, ऊपर घात सम संख्या तो प्लस में आगा आंसर, तो एम वन वन का मान बताओ कितना, एम वन वन का मान कितना, वन 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 कितना वन, तो वन रख दोगे तो माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे प्लस के वन, तो वन वन इंटू वन, तो वन वन आया नहीं। अब इस तरह किसका निकाल लेंगे, तुम ए वन टू का मान निकाल लोगे, किसका निकाल लोगे ए वन टू का, फिर किसका निकाल लोगे ए वन थ्री का, इसका 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 इसका, इस फॉर्मूले तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, और मैं कहता हूँ इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, इसे आज यहीं छोड़ दो, ये किताबी तरीका, तो किताबी कीड़ा और दुनिया से बाहर निकल जाओ। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो, ध्यान लगाओ, समझ गए, ये सीख गए निकालना, और ये भी शॉर्टकट मार के निकालना, वहीं का वहीं छोड़ देना, इसे छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना, गुणा करनी वहीं के सीधे दिमाग में सीधा लिखना, समझ गए। और जो बच्चा ही निकाल लगा ना, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड निकालने खातर, जो मैं तरीका बता रहा हूँ फटाफट देखते चले जाना, झटके तो तुरंत आंसर होते चले जाएगा उसके सामने, कर दो। अब मैं फॉर्मूला हटा रहा हूँ, समझ लो सम तो गए, ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर तुम एम वन वन का मान नहीं पता ना, तो ए वन ए वन वन, ए वन वन का झटके तो निकाल दूंगी, झटके देखो ये क्या है ए वन वन, अब बताओ एक में एक जोड़ो कितना बैठेगा, दो प्लस हो माइनस हो, दो सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या हो तो आंसर आएगा प्लस वन, अगर विषम संख्या हुई आंसर क्या बताएगा, ए वन वन एम वन वन नहीं, इसका आंसर कितना, तुम्हारा जो इसका मान होगा वो भी इसका मान होगा, बस चिन्ह का खेल होगा, जितनी भी देख लीजिए, ए वन वन का मान कितना एक है, ए वन वन नहीं हो, एक में एक जोड़ा कितना बैठा है दो, तो दो सम संख्या विषम संख्या, अगर सम संख्या होगी ना उसका चिन्ह नहीं पलटने का, अगर विषम संख्या होगी ना तो यहाँ अगर एक होता तो माइनस के एक हो जाता है, विषम संख्या नहीं तुरंत चिन्ह पलट जाएगा। आ जाओ देखो दूसरे नंबर पर किसका मान निकाल लेंगे, ए वन टू का, दो में एक जोड़ा कितना बैठेगा तीन, अब देखो यहाँ ए वन टू का मान कितना जीरो नहीं है, अब मुझे ये बता दो जब ए वन टू का मान निकाल लेंगे, ए वन टू का मान वैसे तुम्हारा जीरो, जीरो तो लिख दो पहले जीरो, अब जीरो नो देखना प्लस का है माइनस का, जब जीरो प्लस का माइनस का होगा वो मुझे कैसे पता लगेगा, इसके सामने माइनस प्लस का चिंता तो माइनस का लगा देंगे, क्योंकि मैंने जीरो माइनस की क्या जीरो, क्योंकि वो तो आंसर भी कितना ही आना उसका जीरो आना, जीरो तो जो टकराओ जीरो बन जा, समझ, अगर यहाँ अगर इन दोनों को जोड़कर जो एक नीचे लिखे हुए उन दोनों को जोड़कर विषम संख्या आ रही, कौन सी संख्या, तो जो सामने वाली संख्या ना जो उपसारणिक में आई थी वही लिखनी है, जो कि तू सारी संख्या जो कि तू लिखने ठा गए, बस उनका चिन्ह बदलना, जब विषम संख्या जाएगी सेम संख्या में जोगा, सम संख्या में जोगा तू लिखना जैसा है था, जैसे जाओ ए वन थ्री, तो ए वन थ्री वाला मान देखो, ए वन थ्री वाले का मान कितना जीरो, तो जीरो लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बता तीन और एक चार हो तो चार का मतलब क्या, सम संख्या, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला,
अब आ जाओ उसके बाद, अब बताओ किस किस पर जाएंगे, ए टू वन दो रे कितने बैठेगा, पहले ए टू वन वाले का मान लिखो जीरो, पहले जीरो लिख दिया अपने, अब चिन्ह पर, चिन्ह पर जाएंगे, दो रे कितना हो तीन, तीन कैसा हो विषम सम, जब विषम हो तो चिन्ह बदलेगा, और मैं चिन्ह बदल भी दूँ उस पर क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, आया समझ में, ले चिन्ह बदल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी तो जीरो रहेगा, जीरो चलो टकराव जीरो रहने वाला। उसके बाद ए टू टू, तो ए टू टू का मान दो, पहले से ए टू टू वाले का मान लिखो सेम, एक लिख दिया, अब बताओ दो और दो कितना हो चार, चार सम विषम, और सम संख्या तो सम संख्या तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला, अच्छा उसके बाद इस फॉर्मूले तुम्हारी जान बच जाएगी, अब बची गई देखो, क्योंकि अगर हम एक ही करते तो एक ही इतना बड़ा बैठ रहा था जितने चार बैठ रहे हैं, आया समझो, टाइम बचा दे तुम्हारा, और आगे भी तुम्हारा टाइम था, अगले अगले वाले एक्सरसाइज में जाओगे उससे भी आसान फंडा, ये यहीं मिलेंगे तुम्हें फंडे और कहीं नहीं मिलने के, समझ में आए बात, ये सेकंड निकालने के इससे भी आसान तरीका है, क्यों भी नहीं करो चाहे एक इससे भी आसान तरीका, अच्छा बताऊँगा बाद में, बताऊँ मैं पहले सारा पढ़ाने के बाद बताऊँ, समझ आएगी बात कि आसान फंडा है क्या, अगर तुम किसी और को निकलवा लगे ना तो करिए इसमें फॉर्मूला बोल जाएगा, किताब भी कीड़ा ये किताबी दुनिया से बाहर निकलना पड़ो, होने लग रहा सवाल, अगर तुम तीन बाई तीन का निकाल लेंगे तो आधा घंटा तो इसमें भाग जा रहा है सेकंड निकालने में। एट टू थ्री, तो दो कितना, दो तीन कितना हो पाँच, पहले दो तीन, दो तीन वाला मान दो तेरे को कितना जीरो नहीं है, अब इसका जीरो का क्या चिन्ह बदलोगे, अब जीरो का चिन्ह बदलोगे, दो तीन पाँच हो, पाँच विषम संख्या, अब विषम संख्या आने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का जीरो कर दिया इसको क्या फर्क पड़ रहा है, निकाल लोगे पूरा का पूरा मान निकालने के बाद लिखोगे ए डी जे बराबर, उसमें सजा के लिखोगे एडवांटेज में ये 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 लिख लोगे आराम से, चलो पूरा निकाल के दिखाता हूँ, ए थ्री वन, थ्री वन वाला मान दिखाओ, थ्री वन वाला कितना, थ्री वन वाला जीरो नहीं है, तो तीन और एक चार नहीं होते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का क्योंकि चार सम संख्या हो, तीन और एक चार नहीं होते क्या, चार कैसी हो सम संख्या, अगर सम संख्या होगी कोई फर्क नहीं पड़ने का मान को। उसके बाद ए थ्री टू, अब ये थ्री टू का वाला मान होता, थ्री टू वाले का मान कितना जीरो, तीन और दो पाँच नहीं होते, पाँच विषम संख्या नहीं है तो चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस का जीरो क्या जीरो, माइनस का जीरो जीरो ही होगा, ए थ्री थ्री, तीन और तीन छः, छः कैसी संख्या सम संख्या, इस पर क्या फर्क पड़ रहा है, फिर यहाँ लिखेंगे ए डी जे, जितने में तुम दो निकालते ना इतने में एक निकलेगा, इतना पूरा पूरा सेकंड तैयार होगा, ए डी जे बराबर ध्यान से, ए डी जे बराबर रखो उठाएगा मान एक, उसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो जीरो एक जीरो 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 एक, यानी जो यूनिट मैट्रिक्स के टाइप का होने हो उसका उपसारणिक भी और सेकंड भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आया, इतना मतलब समझ में आया नहीं, अगर तीन बाई तीन का कोई एक सारणिक दे रखा हो तुम और तुम ऐसा उपसारणिक निकालना हो और फिर सेकंड निकालना हो तो मेरे वाली ट्रिक से निकाल सको नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला गायब होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही मैं फॉर्मूला गायब कर देता हूँ, उतार लो सर।